हाय, दिस इज मनीषा सिंह। स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, आशा करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपकी परीक्षा की तैयारी भी बहुत अच्छे तरीके से चल रही होगी। तो हाजिर हूँ आप सभी के बीच एक और जबरदस्त गवर्नमेंट जॉब की अपडेट को लेके, जो कि डायरेक्ट निकल के आ रही है RPSC यानी कि राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से। लाइब्रेरियन ग्रेड 2 की रिक्रूटमेंट आउट हो चुकी है। बम्पर नंबर की सीट रहने वाली है, ये ग्रुप सी की पोस्ट रहेगी। ऑल इंडिया के मेल और फीमेल दोनों ही कैंडिडेट्स इसके लिए एलिजिबल रहेंगे। तो अगर आप भी इच्छुक हो राजस्थान के अंदर लाइब्रेरियन की पोस्ट के ऊपर काम करने के लिए, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत यूजफुल होने वाला है, लास्ट तक जरूर वॉच करना। चलिए, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, हम लोग फटाफट से डिस्कशन की शुरुआत कर लेते हैं। लाइक आई टोल्ड यू अर्लियर कि RPSC के थ्रू लाइब्रेरियन ग्रेड 2 की रिक्रूटमेंट आई है। RPSC मतलब राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन, ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसके तहत आपका वैकेंसी कंडक्ट कराया जाएगा। टोटल पोस्ट की बात करें तो 300 पोस्ट के ऊपर वैकेंसी आई है। चलिए पहले देखते हैं कैटेगरी वाइज सीट को कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। जनरल कैंडिडेट के लिए 118 सीट्स रहेगा, EWS के लिए 21, SC कैंडिडेट्स के लिए 34, ST के लिए 25, OBC के लिए 46, MBC के लिए 8 सीट रहेगा और जो शहरी कैंडिडेट होंगे उनके लिए 45। देखिए फ्रेंड्स, अभी आप सोच रहे होंगे अदर स्टेट के कैंडिडेट अगर अप्लाई करेंगे तो किस कैटेगरी में बिलोंग करेंगे। देखिए, अगर आप दूसरे स्टेट के हो, जैसे कि बिहार, UP, झारखंड, पंजाब, राजस्थान के लिए आप जनरल कैटेगरी में आओगे, तो जो भी प्रोसीजर आपका होगा, वो चाहे आप किसी भी कैटेगरी से अपने स्टेट को बिलोंग करते हो, राजस्थान में जनरल का ही आपके लिए प्रोसेस किया जाएगा। चलिए देखिए अप्लाई कब से होगा। ये फॉर्म आपका 25 यानी कि आज से ऑनलाइन होना स्टार्ट हो जाएगा एंड लास्ट डेट टू अप्लाई 20 मार्च होने वाला है। तो आपको 20 मार्च का इंतजार नहीं करना है, आज से फॉर्म ऑनलाइन हो रहा है, जितना जल्दी हो सके फॉर्म अप्लाई कर दीजिए। अब चलिए देखते हैं फॉर्म अप्लाई करने में फी क्या लिया जाएगा। पहले ही बोला था कि जनरल और अदर स्टेट को एक जैसा ट्रीटमेंट मिलता है, तो जनरल कैंडिडेट और अदर स्टेट वालों से 600 रुपीज फॉर्म फी लिया जाएगा, OBC, BC, SC, ST से 400 रुपीज। आगे देख लेते हैं एज की लिमिट क्या रहने वाली है। सबसे पहले तो जानेंगे किस तिथि के अनुसार आपका एज कैलकुलेशन होगा। 1 जनवरी 2025 के हिसाब से 18 वर्ष से 40 वर्ष के कैंडिडेट्स इसके लिए एलिजिबल होने वाले हैं। देखिए फ्रेंड्स, इसमें जो रिलैक्सेशन मिलता है यानी जो उम्र में छूट दी जाती है, वो थोड़ा अलग तरह से होता है। आइए मैं समझा देती हूँ। जो जनरल कैंडिडेट है, फीमेल कैंडिडेट जनरल से, उनको 5 साल का छूट मिलेगा। मतलब कि 18 वर्ष से 45 वर्ष की जो जनरल कैंडिडेट फीमेल है वो एलिजिबल होंगे। जो मेल कैंडिडेट है, मतलब जो राजस्थान के SC, ST, BC, MBC और EWS मेल कैंडिडेट है, उनको भी 5 वर्ष का, उनके लिए भी 18 वर्ष से 45 वर्ष रहेगा। वहीं पर जो फीमेल रहेंगी राजस्थान से SC, ST, BC, MBC और EWS, उनको 10 वर्ष का यानी कि 18 से 50 वर्ष उनके लिए एज लिमिट रहेगा। देखिए, और एक और कैटेगरी यहाँ पर है, डाइवोर्स्ड या विडो वीमेन, उनको कोई अपर एज लिमिट नहीं है। सिंपली जो डाइवोर्स्ड या विडो वीमेन है इसके लिए अप्लाई करती है, तो 18 वर्ष से आगे जो भी एज है वो सब एलिजिबल रहने वाले हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं कि क्वालिफिकेशन की क्या रिक्वायरमेंट है। पता है आपको कि लाइब्रेरियन की है, तो लाइब्रेरी से रिलेटेड कुछ तो आपके पास नॉलेज होना चाहिए। सबसे पहला जो रिक्वायरमेंट है, ग्रेजुएशन चाहिए, उसके साथ डिग्री या फिर डिप्लोमा होना चाहिए लाइब्रेरी साइंस में। तो जिनके पास ये डिग्री है वो सब कैंडिडेट एलिजिबल रहेंगे। आगे चलिए देख लेते हैं कि आपका चयन प्रक्रिया क्या रहेगा, किन किन स्टेज से गुजरने के बाद आपका सिलेक्शन होगा। फ्रेंड्स, आपका जो सिलेक्शन है वो 3 स्टेज से गुजरने के बाद होता है। पहले स्टेज पर रिटन एग्जाम, मतलब कि आपका लिखित परीक्षा होता है, उसके बाद DV यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, उसके बाद मेडिकल होगा। मेडिकल होने के बाद आपका मेरिट लिस्ट तैयार होगा, फिर ज्वाइनिंग लेटर सेंड कर दिया जाएगा। तो चलिए देखिए आपका एग्जाम का क्या पैटर्न होने वाला है। देखिए फ्रेंड्स, 2 पेपर आपका इसमें होता है, पेपर 1 और पेपर 2 को मिलाकर देखें तो दोनों आपका 2-2 घंटे का होता है, मतलब टोटल आपका 4 घंटे का पेपर होता है।
मार्क्स की अगर बात करें तो 200 नंबर का पेपर वन, 200 नंबर का पेपर टू, टोटल आपका 400 नंबर का होता है, 200 क्वेश्चन 400 नंबर के लिए। दोनों में निगेटिव मार्किंग रहता है 1/3 का। देखिए अब देख लेते हैं पेपर वन और पेपर टू का क्या पैटर्न है। पेपर वन में 100 क्वेश्चन है, आपका टाइम रहेगा 2 घंटे का और 200 नंबर के लिए, मतलब पर क्वेश्चन पे आपको 2 नंबर मिलेगा। अगर विषय वाइज बात करें, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, कल्चर और जीके राजस्थान का, उससे आपका टॉपिक होगा। सेकंड आपका करेंट अफेयर्स रहेगा राजस्थान से रिलेटेड। थर्ड आपका इंडिया और वर्ल्ड का जीके यानी जनरल नॉलेज। चौथा सब्जेक्ट है एजुकेशनल साइकोलॉजी। तो ये आपका पेपर वन हो गया। पेपर टू में आपका 100 क्वेश्चन 200 मार्क्स के लिए, समय 2 घंटे का रहता है। इसमें जो सब्जेक्ट है ना, नॉलेज ऑर्गेनाइजेशन, इंफॉर्मेटिव प्रोसेसिंग एंड रिट्राइवल से रिलेटेड आपका यहाँ पर क्वेश्चंस होने वाले हैं। तो जब आप पेपर वन पेपर टू दोनों क्वालिफाई कर लेते हो, मतलब सेम डे पेपर होगा, ये क्वालिफाई करने के बाद आपका डीवी और मेडिकल होगा, देन ज्वाइनिंग लेटर दे दी जाएगी। सबसे पहले तो मैं ये क्लियर कर दूं कि एग्जाम सेंटर कहाँ होने वाला है। जैसा कि आपको पता है कि स्टेट के थ्रू RPSC कंडक्ट कराया जाएगा, तो राजस्थान में ही जाके पेपर देना होगा, चाहे आप इंडिया के किसी भी स्टेट से फॉर्म अप्लाई करते हो। ऑफलाइन पेपर होगा, फिर जब सिलेक्शन होगा तो राजस्थान में ही लाइब्रेरियन की पोस्ट पे जॉब करनी होगी। चलिए देखते हैं स्टार्टिंग सैलरी क्या होगी। आपको जो सैलरी मिलती है 39,100 रुपीज, मतलब 40,000 से शुरुआत होती है। बाद में ये सैलरी में इंक्रीमेंट की जाती है तो सैलरी और भी अच्छी हो जाती है। आई होप कि आज मैंने जो भी डिटेल आपको बताया है RPSC लाइब्रेरियन ग्रेड 2 रिक्रूटमेंट के रिगार्डिंग, सारा कुछ आपको क्लियर हो गया होगा। कहीं पर मन में कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है इससे रिलेटेड, तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। अदरवाइज इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन मैं अपने टेलीग्राम पे पोस्ट करूंगी। तो फ्रेंड्स जाइए मेरे टेलीग्राम पे फॉलो कर लीजिए, और मेरे टेलीग्राम चैनल, फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम, तीनों ही का लिंक आपको कहाँ मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। वहां पर जाके फॉलो करिए, नोटिफिकेशन डाउनलोड करिए, थोरो आउट रीड कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आई हो, यूजफुल लगी हो तो एक लाइक जरूर कर देना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करते जाना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे सेट करके जाना, ताकि सारी नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच पाए। तो मिलूंगी फिर से किसी सरकारी जॉब की अपडेट के साथ। टिल देन स्टे ट्यून, बाय बाय, टेक केयर।